हेलो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी छोटी होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये तकरीबन 5 साल पहले की बात है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक कपल के बारे में जिनके 2 बच्चे भी थे। और क्योंकि वो दोनों ही जॉब किया करते थे, इस वजह से उन्हें बेबी सिटर की भी ज़रूरत पड़ा करती थी जो कि उनके बच्चों का ख्याल रख सके। लेकिन एक दिन उन दोनों ने माइंड फ्रेश करने के लिए एक प्लान बनाया कि वो बाहर घूमने जाएंगे। लेकिन आउट ऑफ टाउन जाने के लिए उन्हें बेबी सिटर की ज़रूरत थी, जिस वजह से उन्होंने बेबी सिटर को रात में ही बुलाया और कहा कि हम कुछ समय के लिए बाहर जा रहे हैं, तब तक के लिए तुम हमारे बच्चों का ख्याल रखना। और जब तक बेबी सिटर आई तब तक दोनों बच्चे सो चुके थे, जिस वजह से बेबी सिटर को सिर्फ बैठने के अलावा और कोई काम नहीं था और बस उन्हें बच्चों का ख्याल रखना था कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। उसी रात जब बेबी सिटर बोर होने लगी तो उसने टीवी देखने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे याद आया कि पेरेंट्स ने नीचे वाले रूम के टीवी का केबल कनेक्शन हटा रखा है क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चे दिन भर टीवी ना देखें। इस वजह से घर में सिर्फ पेरेंट्स के कमरे में ही एक टीवी था। तो उस बेबी सिटर ने पेरेंट्स को कॉल किया और पूछा कि क्या मैं आपके बेडरूम में जाके टीवी देख सकती हूँ। तो पेरेंट्स ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल तुम देख सकती हो। और फिर बेबी सिटर ने कहा कि मेरी एक और रिक्वेस्ट है। उसने कहा कि बेडरूम विंडो के पास जो एंजल स्टैचू है, क्या मैं उसको किसी कपड़े या चद्दर से ढक सकती हूँ, क्योंकि उसे देख के मुझे काफ़ी अजीब महसूस हो रहा है। थोड़ी देर तक पेरेंट्स की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया और उन बच्चों के पिता जो कि बेबी सिटर से बात कर रहे थे, उसने कहा कि जल्दी से बच्चों को लो और घर से बाहर निकल जाओ, जल्दी से, इतने में पुलिस को कॉल करता हूँ, हमारे पास कोई भी एंजल स्टैचू नहीं है। और इसके बाद लाइन कट हो गई। तकरीबन 3 मिनट बाद ही पुलिस लोकेशन पर पहुँची और उन्होंने पाया कि बेबी सिटर और दोनों बच्चों की लाश स्विमिंग पूल में थी और उनके खून से स्विमिंग पूल का पानी भी लाल हो चुका था। और जांच पड़ताल के बाद पुलिस को वहां पे कोई भी स्टैचू नहीं मिला। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।